स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे निकल, हमने क्वेश्चन नंबर M14 किया था और M14 में हमने दो सिनेरियो को डिस्कस कर लिया था कि अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़े, अज्यूमिंग के गुडविल आपकी राइट ऑफ हो गई है और गुडविल राइट ऑफ नहीं हुई, राइट, इन दोनों सिचुएशंस में। तो बात क्या थी समझने वाली, वो ये थी कि अगर किसी भी पॉइंट इन टाइम पे आपके पास गुडविल ऑलरेडी बुक्स में आ रही हो तो उसमें हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि अब कितने से फर्दर गुडविल को हमने रेज करना है, इंक्रीज करना है, राइट। तो इस सिनेरियो में हमने क्या देखा था, पार्ट बी के अंदर, पार्ट ए में हम क्या कर रहे थे कि पहले हमने पहली डेट पे राइट रेज करके राइट ऑफ भी कर दिया, यानी कि बुक्स में से उसको खत्म कर दिया। तो जब दूसरा चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आया तो पूरे के पूरे 240 से ही हमें गुडविल को बुक करना पड़ा, राइट। और दूसरे सिचुएशन में क्योंकि गुडविल पहले से आ रही थी 1,44,000 की, उसको हमने राइट ऑफ नहीं किया था, तो अब हमने सिंपली क्या किया, जो डिफरेंस था जिससे हमें गुडविल को फर्दर इंक्रीज करना है 96,000, हमने उससे गुडविल को रेज कर लिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन? ये वाला कॉन्सेप्ट भी कहीं पे भी किसी भी सिनेरियो में टेस्ट हो सकता है, एडमिशन हो सेपरेट हो, रिटायरमेंट सेपरेट हो, क्वेश्चन हम करेंगे इसमें इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, बस ये रिटायरमेंट और एडमिशन का आज ही आखिरी दिन है, पक्की बात, ठीक है। कल मैं चाह रही थी कि हम एक और क्वेश्चन कर लें, ठीक है, लेकिन हम कर नहीं सके। आपके पास क्वेश्चन नंबर M5, ठीक है। अब M5 भी आपका क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी इज एज फॉलोज, और आपको उन्होंने बैलेंस शीट दे दी है 31 दिसंबर 2005 की। ऑन 31 दिसंबर 2005 सी रिटायर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। 31 दिसंबर को सी ने डिसाइड किया, जैसे ही 31 दिसंबर के अकाउंट क्लोज हुए, सारा काम खत्म हुआ, उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि अब मैं रिटायर करता हूँ। और टर्म्स एंड कंडीशंस रिटायरमेंट के क्या हैं, गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹210, एसेट्स वर रीवैल्यूड एज फॉलोज, और ये फिगर क्या है जरा गौर से पढ़िएगा, एसेट्स वर रीवैल्यूड एज, तो ये क्या है, डेस्टिनेशन है, ये फाइनल फिगर है, ये मार्केट वैल्यू गिवन है, ये इंक्रीज की अमाउंट नहीं है, ठीक है। 875 इज द रिवाइज वैल्यू ऑफ द प्रेमिसेस, तो पहले प्रेमिसेस आ रहे थे 805 के, तो 70,000 से आपने इंक्रीज करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। फिर बात ये होती है January 1, 2006 को सी के ड्यूज उनको पे कर दिए गए बैंक में, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि रिटायरमेंट हो रही है 31 दिसंबर, तो ये चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर कौन सी डेट को आएगा, हम लेंगे 1 जनवरी 2006 को ही, राइट, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर 2005 को तो जो अकाउंटिंग होनी थी वो खत्म होके बैलेंस शीट भी आपकी बन चुकी है, ठीक है, यानी कि 31 दिसंबर 2005 को आपने कोई फर्दर अकाउंटिंग नहीं करोगे, जो भी करना है। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ भी है कि January 1 को जो सी के ड्यूज थे वो आप उनको पे ऑफ कर दिए, और उसी दिन क्या हो रहा है, सेम डेट एक नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू एडमिट डी एज अ पार्टनर, डी इज टू ब्रिंग ₹4,90,000 ऑफ विच ₹1,40,000 is to be considered as his share of goodwill. The new profit and loss sharing ratio of A, B and D will be 5:3:2. और आगे ये बात कही जा रही है, no goodwill account is to be shown in the books, यानी कि आपने करना क्या है, goodwill को raise करके write off करना है, right? आसान सवाल है ना, बस डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस इसमें ये है कि अब एक ही दिन आपकी रिटायरमेंट भी हो रही है और एक ही दिन सेम डेट पे आपकी एडमिशन भी हो रहा है, ठीक है। तो अब उसमें करना क्या है, अब उसमें थोड़े से आपके ऑब्वियसली अब रिवैल्यूएशन है, अब आप ये नहीं कहेंगे कि रिवैल्यूएशन है, इसमें इन्होंने एडमिशन के टाइम पे रिवैल्यूएशन की कोई बात नहीं की हुई, तो ये क्या बात हो गई, उनको मेंशन तो करना चाहिए था कि फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन कोई रिवैल्यूएशन की जरूरत है या नहीं। लेकिन देखिए, अब रिवैल्यूएशन क्या चीज है, उस दिन की मार्केट वैल्यू क्या है, तो उस दिन की मार्केट वैल्यू, सेम डेट पे आपकी रिटायरमेंट हो रही है, सेम डेट पे आपकी एडमिशन हो रही है, तो मार्केट वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, अच्छी बात है। तो इसका क्या मतलब हुआ, रिवैल्यूएशन आप उसकी नॉर्मल तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर
दूसरा सिचुएशन क्या है, अब आपके पास आ जाता है स्टेप नंबर वन में, आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन की अब ऐसे जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें तो ला, ये देखो यहाँ पे बल्कि सारे देखते हैं, यहाँ पे हमें न्यू PSR खुद से कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. रीजन, उन्होंने हमें न्यू PSR यहाँ पे दे दिया, यानी कि डी के एडमिशन के बाद क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो तो हमें पता लग गया, ठीक है, वो हमें बिल्कुल पता लग गया. अब इतना ये सिंपल हो सकता है, इतना सिंपल ना हो जितना आपको ये लग रहा है. कैसे, एक एक करके हमने चीजों को पिक करना है. सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक है, स्टेप वन में हम न्यू PSR देखते हैं. अब यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बात है, ये बिल्कुल सामने सामने लग रहा है कि आपका जो है वो एक ही डेट पे आपका एडमिशन भी हो रहा है, एक ही डेट पे आपका रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन असल में हमें हमारे पास जो रेशियोज होंगे ना वो तीन ही आएंगे इसमें, ठीक है, न्यू PSR ठीक है, पहले सुन रहे हैं फिर इसके बाद हम एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं उसको, ठीक है. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सवाल में आपको गिवन है कि रिटायरमेंट से पहले 2:2:1 में आपका 2:5, 2:5, 1:5 राइट, 2:2:1 हो गया. अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए सवाल में आप आए, रिवैल्यूएशन का तो किस्सा ही अलग है, ठीक है, रिवैल्यूएशन का किस्सा अलग क्यों है, क्योंकि रिवैल्यूएशन सेम डेट पे है, ऑब्वियसली आपकी मार्केट वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, मतलब ये नहीं होगा कि पहले रिटायरमेंट हुई 1 जनवरी को, रिटायरमेंट के बाद आपने मार्केट वैल्यू चेक की तो वो डिफरेंट थी, और फिर जैसे ही फॉरन से ही आपका एडमिशन भी हो गया और फिर आप दोबारा मार्केट वैल्यू चेक करने जाएंगे, नहीं, आपने एक दफा मार्केट वैल्यू चेक कर ली एंड दैट्स इट. तो इसका क्या मतलब हुआ, सेम डेट रिटायरमेंट या एडमिशन में रीवैल्यूएशन के चांसेस है कि वो एक ही दफा होगा, इवन दो ये दो दफा पार्टनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, इसमें दो चेंजेस आ रही हैं अब, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि अब वो सेम डेट पे चेंज आ रहा है, लेकिन अभी भी आपने कोशिश करनी है कि उसको सेपरेट प्रोसेस ही रखें, दोनों को सेपरेट ही रखें. रीवैल्यूएशन के केस में क्या है, क्योंकि सेम डेट हो रहा है, सेम डेट पे दोनों चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए रीवैल्यूएशन भी सिर्फ एक ही दफा आएगी, ठीक है, वो उसकी नेचर की वजह से, ठीक है, वो उसकी नेचर की वजह से रिवैल्यूएशन आपके पास ऑलमोस्ट ऑलवेज, इनफैक्ट मेरा नहीं ख्याल कि कभी आपको सेम डेट दो दफा अगर चेंजेस आ रही है पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में तो आपको दो दफा रिवैल्यूएशन करनी पड़े, नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नॉट इन माई ओपिनियन, मैंने अब तक कोई सवाल देखा भी नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, एक दिन में ऑब्वियसली 875 है तो 875 दूसरी दफा भी 875 ही उसकी मार्केट वैल्यू निकलेगी, राइट. चले जी, एक एक करके जब हम अपने स्टेप्स को करते हैं तो ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि है ये सेम डेट पे, लेकिन दो दफा पार्टनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो हमने उसको लेना है एज अ सेपरेट प्रोसेस, हमने PSR भी दो ही निकालने हैं, इज दैट क्लियर, ठीक है. अब उन्होंने क्या किया, सवाल में उन्होंने आपको ये बता दिया कि डी की एडमिशन के बाद क्या रेशियो आएगा, 5:3:2. आपने करना क्या है, जिस दिन इस तरह से हो ना रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों इकट्ठे हो, पहले आपने रिटायरमेंट का काम कंप्लीट करना है और फिर आपने एडमिशन का सारा काम करना है, ठीक है, तो वो इत्तेफाक से लिखा हुआ भी उन्होंने ऑर्डर में ही है, ठीक है, कि पहले सी के ड्यूज पे किया और फिर उन्होंने डिसाइड किया एडमिट, तो इवन अगर हॉटस्पॉट पे लिखा हुआ हो आपने करना क्या है, पहले रिटायरमेंट का काम करना है फिर आपने एडमिशन का काम करना है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, न्यू PSR होगा आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी बट बिफोर एडमिशन ऑफ डी, और न्यू PSR जो 2 है वो हमारा होगा आफ्टर एडमिशन ऑफ डी, ठीक है. तो अब हमारे पास आफ्टर एडमिशन ऑफ डी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना है, 5:3:2, ये तो उन्होंने हमें सवाल में बता दिया, 5
3-2, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 by 10, 3 by 10 और 2 by 10, ये तो हमारे पास आ गया। अब हमें ये वाला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये हमें ऑब्वियसली फिर खुद ही कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सवाल में इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि सी की रिटायरमेंट के बाद और डी के एडमिशन से पहले क्या पीएसआर है, तो हम अब वही वाला अपना लॉजिक लगाएंगे। क्या ए का यहाँ पे न्यूमरेटर कॉपी कर दिया, बी का यहाँ पे न्यूमरेटर कॉपी कर दिया, सी का निल और डी अभी तक नहीं आया, ठीक है। न्यू पीएसआर 1 की कैलकुलेशन के लिए डी अभी तक नहीं आया, तो 2/4 और 2/4 या 1/2 या 1/2, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई जी हमीदुल्ला, कैलकुलेशन समझ आ गई, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, सही है, ये है, ठीक है, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है, लाइन मैंने लगा दी है, सही है। तो आपने ये काम कर लिया, अब हम बारी अब क्या करना है, हमें सेपरेट इनको प्रोसेस ही रखना है। स्टेप नंबर 2, पहले हम काम करते हैं फिर रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट के लिए स्टेप नंबर 2 क्या था, गुडविल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल को मेंटेन नहीं करना बुक्स के अंदर, नो गुडविल अकाउंट इज टू बी शोन इन द बुक्स, गुडविल का अकाउंट होना ही नहीं चाहिए, मतलब वो जीरो बैलेंस होगा आपका, ट्रायल बैलेंस में आना ही नहीं चाहिए, यानी कि राइट ऑफ करना है। तो हमारे पास ये बात आ गई, सी की रिटायरमेंट के टाइम पे टोटल गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2,10,000, ठीक है जी, 2,10,000 आपका टोटल गुडविल है। तो आपने क्या कर दिया, रेज करना है ओल्ड पीएसआर में, राइट ऑफ करना है न्यू पीएसआर 1 में, ठीक है। तो आपने किया गुडविल डेबिट 2,10,000, प्लीज गिव मी अ मिनट। जी तो आपने क्या करना है, उसको अभी रेज करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पीएसआर में, ठीक है, ए बी और सी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं रिटायरमेंट के वक्त डी अभी तक नहीं आए, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो इसको जरा करें 2:2:1 में जरा रेज करें 2:10 को, कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेशन करें, मेरे पास फिगर्स लिखी हुई है लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप लोग इसमें जरा दिमाग चले ना आप लोगों का, कितना 84, ठीक है, 84,000 और 42,000, ठीक है, ये आपका रेज हो गया। और अब आपने इसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आपके पास न्यू पीएसआर 2 है, ठीक है, इसके लिए क्या करना है, याद रखना है रिटायरमेंट के टाइम पर मिस्टर डी नहीं आए, तो वो वाला रेशियो पिक करना है जिसमें मिस्टर ए और मिस्टर बी ही मौजूद हो। तो अब आपने 2:10 को जब राइट ऑफ करेंगे तो वो आपके पास आएगा 105,000, ठीक है, और आपने गुडविल को कर दिया क्रेडिट 2,10,000, ठीक है। कौन सा रेशो पिक किया, ये वाला, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी बट बिफोर एडमिशन ऑफ डी। तो अब न्यू पीएसआर आपका ये हो गया, साथ ही हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट पहले पेज पे बना लेंगे, ए बी सी डी चारों पार्टनर्स का, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको क्वेश्चन में गिवन है 840, 805 और 420, और निल पहले हम गुडविल रेज 3 का, क्यों डी भी तो है ना, एडमिशन भी तो हो रहा है उस दिन,
और हमने पिछले सवाल में भी जो पूरे साल का कैपिटल अकाउंट बनाना था तो हमने रिटायरिंग प्लस एडमिशन न्यू पार्टनर्स का सारे पार्टनर्स का हमने बनाया था, चारों उसमें शायद पांच थे या चार ही थे, आसिफ नवाज अल्ताफ और अफन, ठीक है, आप सबका इकट्ठा बना लो। तो आपने क्या करना है, गुडविल को भी आपने रेज करना है। गुडविल को रेज करने के लिए 84 84 42, और ए और बी आपके पीछे बचते हैं तो उनको राइट ऑफ करेंगे, तो गुडविल राइट ऑफ करने का 105 और 105। फिर बारी आती है क्या, स्टेप नंबर हमारा थ्री, स्टेप नंबर वन हो गया, स्टेप नंबर टू थ्री हमारा सॉरी स्टेप नंबर टू हो गया, स्टेप नंबर थ्री वॉज द रिवैल्युएशन। तो एसेट्स की आप रिवैल्युएशन करेंगे, ठीक है, इसके लिए जल्दी से वर्किंग कर लेते हैं, चाहे तो फिर सीधा सीधा टी अकाउंट बना लें रिवैल्युएशन का, चाहे तो सीधा वर्किंग आप कर लें क्वेश्चन में, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, अच्छा रिक्वायरमेंट है रिवैल्युएशन अकाउंट की, ठीक है, तो आपको टी अकाउंट तो लाजमन बनाना है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ऑर्डर आउट हो गया, पहले हमें रिवैल्युएशन ही करनी चाहिए थी, सही है, पार्ट ए जो है वो आपका रिवैल्युएशन है, तो आप पहले रिवैल्युएशन ही करें, थोड़ी सी वर्किंग दिखाना चाहें तो वेरी वेल एंड गुड हो जाएगा। प्रेमिसेस के केस में क्या है, मार्केट वैल्यू आपके पास है 8,75,000, बुक वैल्यू की है 805,000, तो आपको अब तक ये पता चल जाना चाहिए कि प्रेमिसेस के केस में क्या हो रहा है, रिवैल्युएशन गेन आ रहा है। यहाँ पे छोटी सी वर्किंग दिखा दें, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश ना हो, टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। आपने यहाँ पे 70,000 का रिवैल्युएशन गेन दिखा दिया। फिर आपके पास क्या आता है, व्हीकल्स आता है, मार्केट वैल्यू अब उनकी है 301 और पहले से 332,500, तो आपके पास क्या हो गया, व्हीकल्स के केस में आपके पास लॉस आ गया 31,500 का, ठीक है, ये बात क्लियर है, ये आपके पास रीवैल्यूएशन लॉस है क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा थी, मार्केट वैल्यू कम है। इक्विपमेंट के केस में मार्केट वैल्यू है 182 और बुक वैल्यू है 227, ये भी आपका लॉस हो गया इक्विपमेंट में, 227,000 माइनस 182,000, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 45,500 कहां से आया, 500, अच्छा 227,500 आपके पास आ गया 45,500। अच्छा फिर आपके पास क्या आ जाता है, फिर आपके पास है स्टॉक है, स्टॉक में क्या हो रहा है, गेन है लॉस जी, जल्दी से बताएं गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है स्टॉक्स में, और कितने का लॉस है, और वो है आपका 24,500 का, ठीक है, तो स्टॉक में भी क्या सिचुएशन है, 24,500 का लॉस है क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, सॉरी कम है, 220,500 और 245, ठीक है जी, ये काम हो गया। और आपके पास आखिरी रहता है डेटर्स, डेटर्स की बुक वैल्यू कितनी है, नेट बुक वैल्यू आपने उठानी है, ठीक है, नेट बुक वैल्यू है 1,50,500 और आपके पास मार्केट वैल्यू है 1,40,000, तो 10,500 का यहाँ पे भी आपके पास आ गया लॉस, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास नेट आता है रिवैल्युएशन लॉस, और उस रिवैल्युएशन लॉस को आपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, ओल्ड ये वाला जिसमें ए बी और सी तीनों का शेयर हो, ठीक है, इसको कर लें, आपके पास आएगा 2:2:1 में आपने टोटल लॉस को डिवाइड करना है। ये टी अकाउंट इस क्वेश्चन में बनाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, 16,800
16,800 और 8,400, ठीक है। तो ये करेंगे तो आपके पास ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट है सर, क्लियर। इसमें तो कोई मसला नहीं है, राइट। तो सिंपली आपने क्या किया, कैपिटल अकाउंट में लॉस दिखा दिया आपने 16,800 डेबिट साइड पे और 8,400 और डी को कुछ भी नहीं मिला। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अब क्या रिवैल्यूएशन को राइट ऑफ करना है या नहीं करना। तो हमने क्या ये चीज पढ़ी है कि अनलेस क्वेश्चन में मेंशन हो खास तौर पे कि रिवैल्यूएशन को आपने राइट ऑफ करना है तो ही जाके हम राइट ऑफ करेंगे। सवाल में ये नहीं लिखा हुआ कि मार्केट वैल्यूज हैव टू बी रिटन ऑफ एज वेल, तो हम क्या करेंगे, वी विल लेट देम स्टे इन द बुक। हम लोग रिवैल्यूएशन गेन या लॉस को रिवर्स नहीं करेंगे, राइट ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गई बात। रिटायरमेंट में फिर आपके पास क्या है, स्टेप नंबर 4 में क्या होता है कि अगर आपका कोई जनरल रिजर्व है तो उसको आप डिवाइड कर दो, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। और अगर आपके पास कोई प्रॉफिट का कोई एरर है आप उसको एडजस्ट कर लेते हो, यानी कि स्टेप नंबर 4 यहाँ पे है ही नहीं, करंट अकाउंट भी नहीं है। अब आ जाता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आपने क्या करना है, सी को उनके ड्यूज पे ऑफ करने हैं थ्रू व्हाट, थ्रू अ चेक, राइट, थ्रू बैंक। तो आप क्या करो यहाँ पे, अब सी का आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। आप अभी ए और बी की बैलेंस कैरी डाउन नहीं निकालोगे, क्यों, क्योंकि आपको पूरे अब जो पूरे दिन का जो अभी एक्टिविटी है वो रहती है, अभी डी का एडमिशन भी तो करना है, राइट, उसके टाइम पे गुडविल दोबारा से होगी। तो अब आपने क्या किया, वैसे आखिरी 5-10 मिनट है के बाद म्यूटेड अनम्यूटेड जी, ऐसा उनको आवाज आ रही है अभी सबको, चलें ठीक है, जल्दी सबको करते हैं, बस एक क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे क्योंकि आज नेटवर्क का बड़ा मसला है। तो मैं ये कह रही थी कि अभी आप ए और बी के बैलेंस कैरी डाउन नहीं निकालेंगे, रीजन क्या है, रीजन उसका ये कि अभी 1 जनवरी को और भी काफी एक्टिविटीज हुई है, ठीक है, मिस्टर डी की एडमिशन का भी आपने अकाउंटिंग करना है, लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है, मिस्टर सी को तो उनका हिस्सा देके फारिग करें, राइट। तो आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, सी का निकालेंगे 4,20,000 प्लस 42,000 माइनस 8,400, तो वो आपके पास आ रहा है 4,536,600, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया 4,536,600। हमने क्या किया, सी को पे ऑफ कर दिया थ्रू चेक, डबल एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, बैंक, राइट। अब हम आते हैं muted unmuted जी, यही 4,536,600 है जवाब। तो आपने स्टेप नंबर 5 इसमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा किसका, मिस्टर सी का 4,536,600 से, मैं वैसे ही डबल एंट्री से लिख रही हूँ, कॉपी ना करें, ठीक है, और बैंक आपने क्रेडिट कर दिया 4,536,600, ठीक है, ये काम हो गया। वो गलत है, क्या गलत है, सही तो है, सही है, कैलकुलेशन सही है, ठीक है। अच्छा फिर बारी आती है किसकी, एडमिशन की, राइट। अब हम बारी बात करते हैं एडमिशन की,
एडमिशन लेंगे, स्टेप नंबर टू हम दोबारा से रिपीट करेंगे, पीएसआर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गुडविल की बारी अब बात करते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, सेम डेट पे चेंज हो रहा है ये, ठीक है, लेकिन गुडविल आपके पास डिफरेंट हो सकता है और होता है नॉर्मली, ठीक है। गुडविल फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट अलग होगा, गुडविल फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन अलग होगा। रीजन उसका क्या है, अगर आप गुडविल जो है वो सिर्फ रिटायरमेंट की हद तक करें, देखिए हमने क्या किया, गुडविल को रेस करके राइट ऑफ भी कर दिया ना, है ना, गुडविल को रेस करके हमने राइट ऑफ भी कर दिया सी की रिटायरमेंट के टाइम पे। तो अब अगर हम लोग डी के एडमिशन के टाइम पे गुडविल का कुछ नहीं करेंगे तो मुझे बात बताएं, हमने तो डी से पैसे लेने हैं गुडविल के, है ना, हमने तो डी को चार्ज करना है कि वो इतने अच्छे बिजनेस में, ही इज बिकमिंग अ पार्टनर, ऑलरेडी एक रनिंग बिजनेस चल रहा है, तो हमें डी से दोबारा जब हम डीलिंग करेंगे, डी को जब हम एडमिट करेंगे तो हमें दोबारा गुडविल का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे दोबारा से, अब हो सकता है वो गुडविल उस टाइम पे भी सेम हो डिफरेंट हो, दैट इज अनदर स्टोरी, ठीक है, वो चेंज भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डी के एडमिशन के टाइम पे डी ने लेकर आना है 4,90,000, जिसमें से आउट ऑफ विच 1,40,000 इज कंसिडर्ड एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो हम टोटल गुडविल निकाल सकते हैं आराम से, अगर आपके पास 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 रिप्रेजेंट व्हाट पोर्शन, डी का क्या पोर्शन होगा टोटल प्रॉफिट में से, टोटल हर चीज, हर टोटल चीज में कितना शेयर है उसका, 2/10। तो हम ये कह सकते हैं कि 1,40,000 रिप्रेजेंट 2/10 ऑफ द टोटल अमाउंट, राइट, 2/10 ऑफ एक्स, तो हम इसको कह सकते हैं, अब हमें एक्स निकालना है, 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/2 इज इक्वल टू एक्स, कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करें, स्क्रीन नॉट शोइंग, बाकी सबको भी नहीं शो हो रही या सिर्फ उस्मान का इश्यू है, ठीक है, अच्छा जल्दी से कैलकुलेट करें, उस्मान यहां से आपका सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे आप चेक कर लो, 7 लाख आपके पास आ गई टोटल गुडविल ऑफ द फर्म एडमिशन के टाइम पे, गुडविल इज नाउ 7 लाख, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, गुडविल को आपने रेज करना है 7 लाख, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब हम किस स्टेप पे पहुंच गए, अब हम डी के एडमिशन पे पहुंच चुके हैं, तो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये वाला, ठीक है, यानी कि 2/4 और 2/4, 1:1, राइट, बात क्लियर है वाली। तो अब आपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है मिस्टर ए और मिस्टर बी को 2:2 या 1:1 जो भी, ठीक है, 3,50,000, अरे एक मिनट, मैंने उन्होंने ये तो नहीं कहा कंसिडर्ड एज अ शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, सही है जी, बच्चे अफसान आपका हुआ नहीं ठीक, क्या आ रहा है वशु, सबका इशू है, अच्छा 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 सबका इशू है, आई थॉट यू सेड नो, तो मैं फिर उसमें ही चलेगी, अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, आई थॉट कि उस्मान सेड नो तो, सॉरी उसामा सेड नो तो मैंने कहा कि शायद उसको इशू नहीं हो रहा जी, अब नजर आ रहा है, अब मैं जरा स्क्रीन हिला रही हूँ, देख लें हिल रही है, वीडियो आ रही है, अभी भी इशू है, नहीं आ रही, ओके नहीं हिल रही, चलें काम करें, यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है, एक काम ये कर लें, क्वेश्चन नंबर अब कुछ भी नहीं करना, 7 लाख की फिगर जो है, हाँ अभी वापस से फिर टाइम भी अप हो गया, तो देयर इज नो, या यू कैन कंप्लीट इट, यू शुड कंप्लीट इट, ठीक है, बस ये बात मेरी एटलीस्ट सुन लें बात, ठीक है, मेरी बात सुन लें, करना क्या आपको 7 लाख तक सबको कंप्लीशन, वो कैलकुलेशन समझ में आ गई, ठीक है, 1,40,000 आपका है सिर्फ डी का शेयर, आपने 1,40,000 को यूज करते हुए पूरी फर्म का शेयर निकालना है, उसको रेज करके राइट ऑफ कर देना है, सिंपल एज दैट, और रेज करेंगे किस रेशियो पे, ओल्ड पीएसआर पे करना है,
लेकिन वो ओल्ड पीएसआर कौन सा होगा, न्यू पीएसआर 1, ठीक है, कि एडमिशन से इमीडिएटली पहले कौन सा रेशो था 2:2, रिटायरमेंट के बाद और एडमिशन से पहले, तो हमारा ओल्ड पीएसआर 2:2 पे आपने ए और बी पे रेस करना है और राइट ऑफ करना है 5:3:2 पे, ए बी और डी को राइट ऑफ करना है, ठीक है। रीवैल्यूएशन इसमें दोबारा नहीं करना, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है सवाल में दे भी दे वो, लेकिन चांसेस है नहीं होगा, होता ही नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट, इट्स नॉट राइट, ठीक है, अप्रोप्रिएट ही नहीं है, तो रिवैल्युएशन भी नहीं होगा, गुडविल को रेस करके सिर्फ राइट ऑफ करना है एंड दैट्स इट, कैरेट डाउन कैलकुलेट करें और फिर हम इंशाल्लाह इसका बैलेंस शीट भी बना लें न्यू पार्टनरशिप की। वो आपको पता है रिवैल्यूड अमाउंट पे एसेट्स जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज आपको पता होंगे, ए बी और डी के बैलेंस शीट भी बन जाएगी, मैं इसका सोल्यूशन पे कल शेयर कर लूंगी। आपका 5 पेपर का सवाल है। अच्छा, एक और होमवर्क नोट कर लें, कल हम इंशाल्लाह डिसोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे, डिसोल्यूशन या अमलगमेशन, देखती हूँ क्या मेरा मूड बनता है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली हम डिसोल्यूशन ही करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर M2 ये है, 1, 2, 3,